हिंसा में गृह मंत्री अमित शाह शामिल, कुलपति इस्तीफा दें। निर्भया केस का दोषी विनय शर्मा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दायर किए क्यूरेटिव पिटीशन। विपक्षी एकता में दरार, ममता बनर्जी ने सोनिया की बैठक का किया बहिष्कार। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दाऊद का दाहिना हाथ गैंगस्टर एजाज गिरफ्तार। निजी कारणों के चलते लोकपाल सदस्य बीडी भोसले ने दिया इस्तीफा। एसबीआई ने दिया बड़ा तोहफा, बिल्डर ने की देरी तो ग्राहकों को वापस करेगा होम लोन की राशि। गुजरात में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, चपेट में आई स्कूल बस भी हुई खाक। नीति आयोग की बैठक शुरू, अर्थशास्त्रियों और बाजार एक्सपर्ट के साथ बैठक कर रहे हैं मोदी। ट्रंप की नरमी पर ईरान ने दिखाए तेवर, अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर दागे रॉकेट। बिहार के 25 आईएएस समेत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने की कार्रवाई की अनुशंसा। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर हेड कोच रवि शास्त्री का बड़ा बयान, ओडीआई को अलविदा कह सकते हैं माही। इंडोनेशिया मास्टर्स में जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची साइना नेहवाल। खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया गेम में खेलने वाले युवा देश को दिलाएंगे मेडल। 2 साल के लंबे ब्रेक के बाद सानिया मिर्जा वापसी को तैयार, बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ जाएंगी ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने। इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, जेम्स एंडरसन बची हुई टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। चपाक की स्क्रीनिंग में दीपिका पादुकोण ने पहनी नीले रंग की साड़ी, दिखी बेहद खूबसूरत। एक बार फिर तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर निकाला गुस्सा, आसाराम से कर दी उनकी तुलना। रिलीज से पहले विवादों में फंसी दीपिका की छपाक, लक्ष्मी अग्रवाल के फीस मामले में पकड़ा तूल। एक्ट्रेस जूही चावला ने किया सीएए का सपोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ। रजनीकांत फैंस में दिखा दरबार का क्रेज, दुल्हन की तरह सजाए थिएटर। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।